हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल एंड प्लंबिंग टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम बनाने जाने वाले हैं वीयू मीटर, जो कि इस प्रोडक्ट से हम बनाएंगे एलईडी कंट्रोल से। तो ये कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसके साथ कुछ अटैचमेंट भी मिले हैं हमें, और ये कनेक्टर भी मिले इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, और एक स्क्रू ड्राइवर और ये कुछ अटैचमेंट। देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम जो है किस तरह से हमें कनेक्ट करना है इस एलईडी स्ट्रिप को, और ये इसका क्यूआर कोड आप इसके ऊपर भी देख सकते हो। और ये रही एलईडी स्ट्रिप WS2802812, इसको हम कट कर देंगे बाद में 10-10 के इसमें रो में। इस एलईडी कंट्रोल से हम टोटल कंट्रोल कर सकते हैं 960 पिक्सल, मतलब 960 एलईडी, और इसको वोल्टेज भी हम दे सकते हैं 5 वोल्टेज से 24 वोल्टेज। डीसी वोल्ट देना होगा हमें डायरेक्ट, तो इसको अभी हम काट देंगे 10-10, और ये हमारे पास 6 स्ट्रिप हो जाएंगी, 60 LED की 6 स्ट्रिप। और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद ये हमारे मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक वुडन बोर्ड लिया है प्लाईवुड का, इसको सबसे पहले हम चिपका देंगे इस तरह से। आपको इसको इस तरह से चिपकाना है जो कि डाटा, इसमें जो डाटा है वो डाटा का एरो पूरे एक साथ मतलब लाइन में होना चाहिए। अभी ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाना चाहिए, इसके डाटा का डायरेक्शन। अभी ये नीचे गया है तो इसके बाद जो तीसरा स्ट्रिप आएगा वो उसका डाटा डायरेक्शन ऊपर में होना चाहिए। इस तरह से हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा। देखिए अभी अच्छी तरह से चिपक गई है, और एक पट्टी बची है इसको भी हम लगा देंगे। अगर आपका घर को डेकोरेशन करना है तो इस तरह से, आप म्यूजिक लवर हो तो इससे आप घर में डेकोरेशन कर सकते हो इससे। अभी हम इसका करेंगे कनेक्शन।
देखिए यहाँ पर मैं अभी निगेटिव को निगेटिव जोड़ना है और डाटा को डाटा और प्लस को प्लस, इस तरह से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो माइनस टू माइनस, डाटा टू डाटा और 5 वोल्ट टू प्लस प्लस। यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा वायर का कलर कोडिंग थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा सही से कनेक्शन किया है यहाँ पर। आपको भी इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन या डाटा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपकी आधी स्ट्रिप चलेंगी और आधी नहीं चलेंगी। यहाँ पे देख सकते हो आप जो डाटा है वो बीच में की लाइन है। देख सकते हो डाटा का डायरेक्शन ऊपर और दूसरी तरफ का डाटा का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो अभी हम इसके लिए 5 वोल्ट का चार्जर लिया है मैंने। ये डीसी वोल्ट का 5 वोल्ट का चार्जर है, इससे हमारा ये
LED कंट्रोल हो आसानी से चल जाएगा। और ये मैं ख़राब केबल यूज़ ख़राब था ये मेरा डाटा केबल, इसके मैंने डाटा के जो पॉइंट कट कर दिए और पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट इसके LED कंट्रोलर के पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट पे डाल दिए थे मैंने। और इसके जो LED स्ट्रिप के वायर आए थे वाइट ग्रीन रेड, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए VCC में रेड, डाटा में ग्रीन और ग्राउंड में वाइट, इस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो आप। तो इसको भी हम करते हैं शुरू, एंजॉय द म्यूज़िक। तरह से आपको LED को कंट्रोल करने के लिए इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, LED छोड़। इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, अभी मैंने ओपन कर दिया, टर्न ऑन हो गया, ओके कर दिया मैंने। यहाँ पर LED छोड़ टर्न ऑन ब्लूटूथ अलाउ कर दिया मैंने। यहाँ पर डिवाइस का नाम आ गया, इसको आपको टच करके ऑन कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हो आप सेगमेंट मैंने 6 लिया है और पिक्सल मैंने 10 लिया है, टोटल 60 पिक्सल हो गए हैं। जो कि यहाँ पर आपको एंट्री करना है, यहाँ पर आपको जो भी ऊपर या नीचे से व्यू मीटर बनाना है, इस तरह से आप जिस डिज़ाइन से आपको कलर कोडिंग करना है कलर चूज़ करना है। यहाँ पर बार भी है, इस तरह से आपको बार भी मिल जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन में ये आपको दिखाएंगा किस तरह से LED टर्न ऑन होता है ऑफ होता है। यहाँ पर ऑप्शन है